नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच इन दिनों काफी जुबानी तनातनी चल रही है। कंगना के बयानों को लेकर अब महाराष्ट्र सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद उसकी कड़ी निंदा की गई। इसी बीच अब कई संगठन कंगना रनौत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी बीच हाल ही में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष उमेश राज शेखावत राजा साहब ने प्रेस नोट जारी कर मीडिया को बताया कि महाराष्ट्र में कंगना के मामले को लेकर संपूर्ण राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। संजय राउत के बयान लगातार कंगना रनौत के ही नहीं संपूर्ण भारत के राजपूत समाज के खिलाफ है। संजय राउत शिवसेना के बड़े नेता हैं। शिवसेना का महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन है। आगामी दिनों में राजस्थान में पंचायती राज चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और जिला परिषद जिला प्रमुख के चुनाव हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव होना अभी बाकी है। इतना ही नहीं, बिहार में भी विधानसभा चुनाव जल्द ही होंगे। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा अगर जल्द ही कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली को नहीं सुधारा और शिवसेना को समय पर काबू नहीं किया। तो इन तीनों जगहों पर शिवसेना के गठबंधन की वजह से कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि राजपूत समाज में भारी रोष है। गौरतलब है कि अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले से लेकर शिवसेना से नाराजगी है तो प्रेस नोट जारी कर शिवसेना को खुली चेतावनी दें। साथ ही अगर शिवसेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अपना गठबंधन भी अलग कर सकती है। बाला साहब ठाकरे के कदमों पर संपूर्ण राजस्थान चलता है। महाराष्ट्र महाराजा शिवाजी की नगरी है, जिसे आज भी हम पूजनीय मानते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की कार्यशैली इन दोनों राजपूत समाज के खिलाफ है, जिसे राजपूत समाज बिल्कुल नहीं सहेगा। चाहे राजपूत समाज को सड़क ही नहीं संसद के अंदर भी हंगामा करना पड़े, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।